आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से कुकू एफएम से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। कुकू एफएम एक नॉन म्यूजिक प्लेटफॉर्म है और डायरेक्टली कहूँ तो एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए यहाँ से अर्निंग करने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई तो आप इस प्लेटफॉर्म से बड़ी इजीली अच्छे से कमाई कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज रजत उपाध्याय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं, तो लेट गेट स्टार्ट। बात करते हैं कुकू एफएम एप्लीकेशन की। तो ये एक, जैसे कि मैंने बताया, एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे लोग अपना कंटेंट डालते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टोरीज वगैरह डालते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं, बहुत सी नॉवेल्स वगैरह हैं यहाँ पे। बहुत से लोग अपनी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, कोई फैशन के बारे में, कोई मेडिटेशन के बारे में, कोई किसी धर्म के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर अपने पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। जो लोग, जितने लोग इसको सुनते हैं उतने आपको अर्निंग होती है। इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब तक 1 लाख से ज़्यादा क्रिएटर्स हैं। मैं क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, ना कि लिसनर की। तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा क्रिएटर हैं जो यहाँ पे अपनी पॉडकास्टिंग अपलोड करते हैं और वहाँ से अच्छे खासे अर्निंग करते हैं। पॉडकास्टिंग का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप उसको कहीं पे भी बैठे स्टार्ट कर सकते हो। आपको आपका फेस दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है अच्छी क्वालिटी के अंदर और अच्छे कंटेंट के साथ। अगर आप यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हो तो आप यहाँ से अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो घर बैठे। यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल जो भी क्राइटेरिया है वही फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होता है। भले आप यूट्यूब पर जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, सिंपली आपको जाना है, साइन अप पर क्लिक करना है, लॉग इन विथ या फिर साइन अप विथ फेसबुक करना है या फिर गूगल कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे वो आपका अकाउंट जो है फेच कर लेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, वहाँ से OTP आएगा और आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन जिसके बारे में कि यहाँ पे अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो आपको चाहिए होंगी। सबसे फर्स्ट नंबर का है कि यहाँ पे आपको कोई भी कॉपी कंटेंट नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि आपने कि पॉडकास्ट यूट्यूब से उठा या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से उठा के यहाँ पे चिपका दिया। अगर ऐसा आप करते हो तो आप कभी भी यहाँ पे क्रिएटर नहीं बन पाओगे। अगर आपने ये चीज़ एक बार भी की तो आप लाइफ टाइम यहाँ पे क्रिएटर नहीं बन सकते हो। अगर यहाँ पे आप जो भी यूजर्स हैं उनको मिसगाइड करते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी मिसगाइड करते हैं, अल्कोहल ड्रग जैसी चीज़ों के बारे में आपको मिसगाइड करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो सकते हो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, पॉलिटिक्स की चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है और साथ ही साथ कोई भी कंटेंट को लेके, किसी भी तरह के कंटेंट को लेके आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है। आप जो भी कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, आपके रीजनल लैंग्वेज के अंदर। अगर आप मराठी में बनाने हो तो मराठी, तमिल है तो तमिल, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, लेकिन सारा जो कंटेंट है आपका वो एक ही लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको आपकी प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर देनी है, मतलब कि आप किस कैटेगरी के अंदर बना रहे हो, आपके एज क्या है, प्रोफाइल फोटो वगैरह, आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर अटैच कर देना है, आपके जो भी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जो प्रोफाइल होती है क्रिएटर की, प्रोफाइल आपको कम्प्लीटली कर देनी है। कुछ भी ऑप्शन आप खाली नहीं छोड़ना, जैसे कि आप बायो का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको अच्छे से फिल कर देना है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, फेसबुक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपर वे में पूरा सबमिटेड होना चाहिए, जिससे कि जो भी यूजर्स है उसको आपके जो पॉडकास्टिंग उसके ऊपर ट्रस्ट हो और कुकू एफएम जो है वो वहाँ से आपको इजीली क्रिएटर के लिए हायर कर सके। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको यहाँ पे कुछ पॉडकास्ट पहले से अपलोड कर देना है, फॉर एग्जांपल 6, 7, 8 या 10 के आसपास पॉडकास्ट जो है वो आपको पे अपलोड कर देने हैं। अब वो पॉडकास्ट जो है वो 10 मिनट के बनाओ, 5 मिनट के बनाओ या फिर 30-30 मिनट के बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका कंटेंट कैसा है और कितना बड़ा कंटेंट है। आपको अच्छे से कंटेंट बनाना है, उसके बाद हर कंटेंट के ऊपर आपको कवर फोटो रखना है, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होकर उस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, अच्छा सा टाइटल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो इस सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको 8 से 10 पॉडकास्ट जो है वहाँ पे सबमिट कर देने हैं और वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ये जैसे काम आपका हो जाता है उसके बाद आपको कुकू एफएम की एक मेल आईडी है उसके ऊपर आपको मेल करना होगा। जो मेल आईडी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाएगी। उस मेल आईडी के ऊपर आपको कुकू एफएम को मेल करना है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएटर बनना चाहता हूँ ऑफिशियली और मैंने ये कंटेंट जो है ऊपर डाल कर रखा है, ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और आपको जो कुकू एफएम का जो लिंक है चैनल का वो भी आपको वहाँ पे शेयर कर देना है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है। अगर उनको आपका चैनल पसंद आता है, आपका कंटेंट पसंद आता है, तो वहाँ से आप वेरीफाई हो जाओगे और वहाँ से फिर आपको कुकू एफएम से इजीली अर्निंग कर सकते हो। ये जो कुछ भी है वो मेल के थ्रू होगा, आपको रिवर्ट जो है वो कंपनी मेल के थ्रू दे देगी। एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब भी आप वहाँ पे कंटेंट को अपलोड करो, आपका कंटेंट जो है वो 5 मिनट से लेके 25 मिनट तक का ही होना चाहिए, ना ही 25 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही 5 मिनट से कम होना चाहिए, तो आप इजीली वेरीफाई हो सकते हैं अगर वो कंटेंट अच्छा है। तो
तो जो लेंथ है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको क्रिएटर के लिए पे अप्लाई कर रहे हो, जो भी पॉडकास्ट वहाँ पे आप अपलोड कर रहे हो, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना कि जो लेंथ है वो 5 से लेके 25 के अंदर ही हो। अब बात करते हैं कि आप कुकू एफएम से कितना पैसा कमा सकते हो। कुकू एफएम से अर्निंग आप इजीली कर सकते हो अगर वहाँ पे एज एन क्रिएटर उन्होंने आपको हायर कर लिया है, आपके अकाउंट जो है वहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, तो कुकू एफएम वहाँ पे आपको पॉडकास्टिंग के लिए पैसा देगा। अब वो पैसा कितना होता है, देखिए डिपेंड करता है आप कितना एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हो, कितना लोग आपको सुन रहे हैं। फिर भी मैं आपको मिनिमम बता देता हूँ, मिनिमम आप वहाँ से 2000 और मैक्सिमम वहाँ से 25000 कमा सकते हो। 25000 से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ भी आपके साथ ब्रांड कॉन्टैक्ट करते हो, आप किसी ब्रांड से और किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हो तो उसका आपका अलग अमाउंट हो सकता है, लेकिन जो ऑफिशियली कुकू देता है वो 25000-30000 के ऊपर आप नहीं जाओगे। तो एवरेज जो होता है वो 10-15000 के आसपास एवरेज होता है। तो आप यहाँ से अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। आप हफ्ते में 3-4 पॉडकास्ट अपलोड करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपको, ना कुछ सजना सवरना है, ना कैमरा चाहिए, सिंपली आपको माइक चाहिए, आपको आपका ऑडियो जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड करना है, कम्प्लीटली डिटेल देनी है, उसको अपलोड कर देना है। ज़्यादा टाइम वेस्टिंग भी नहीं है, आप दिन में चाहो तो एक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आप हफ्ते में 2-3 रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड करो और जैसे एंगेजमेंट आएगा आपको अर्निंग जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये था आज का हमारा टिप्स कुकू एफएम को लेके। अगर आप घर बैठे कमाई करना चाहते हो तो कुकू एफएम के थ्रू इजीली कर सकते हो। आपको कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत थी वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की है। अगर आपने वीडियो को कुछ भी स्किप किया है तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड एक बार फिर से देख लेना, उसके बाद ही आप कुकू एफएम के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना, सारी गाइडलाइन को फॉलो करना। अगर नहीं किया तो आपके अकाउंट जो है वो हो सकता है क्रिएटर के लिए एलिजिबल ना हो, इसलिए कुछ भी करने के पहले, अप्लाई करने के पहले, उनको मेल करने के पहले सारी गाइडलाइन जो है अच्छे से जान लेना। ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है इसलिए आपको ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि ये यार कहीं फ्रॉड ना हो, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक इंडियन कंपनी है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, 1,00,000 से ज़्यादा क्रिएटर जो है वहाँ पर काम कर भी रहे हैं, तो सभी को पेमेंट मिल भी रहा है। कहीं भी फ्रॉड का जो चीज़ है वो अभी तक गूगल के ऊपर की देखने को नहीं मिली है। और भी कई वीडियोस आपको दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं ब्लॉग वगैरह दिख जाएंगे कि ये जेन्युइन है और अच्छी चीज़ है। अगर आपको जानना है कि और भी किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे किस तरह से कमाई कर सकते हैं, तो उसके 100+ वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। अच्छी खासी चीज़ें, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लेटफॉर्म, हर चीज़ के बारे में आपको बताया है। आप जो भी जिसको चाहो उसको चूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको अगर डेली नॉलेज चाहिए टेक के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और किस तरह से आप कमाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना। ऐसे ही वीडियो में डेली लेके आता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल के साथ बने रहना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।